नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से आज फिर से एक बार नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, वो है सीआरटी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से आज फिर से एक बार नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, वो है सीआरटी का यानी सियाटिक नर्व का कंप्रेशन। अभी समझते हैं कि सियाटिक नर्व का कंप्रेशन आखिर होता क्या है। हम पहले समझेंगे कि सियाटिका यानी सियाटिक नर्व का कंप्रेशन, सियाटिक नर्व दबती कैसे है, सियाटिक नर्व होती कैसे है, और सियाटिक नर्व की दबने की वजह से जो तकलीफ, जो पेन, जो झुंझुनी, जो जलन होती है उसको बोलते हैं सियाटिका। समझते हैं और कि सियाटिका क्या है, और समझते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां हमको सियाटिका के मरीजों को जनरली यूज करना चाहिए। वो सारी दवाइयों की डिटेल्स मैं आपको बता भी रहा हूं, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाकर दवाइयों की डिटेल्स ले सकते हैं। आपको सभी दवाइयों के डिटेल्स और डोजेज उसमें दिए गए हैं। आप बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर उस दवाइयों को अपने फार्मेसी स्टोर्स में जाकर ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने में आप हों, वहां पर उपलब्ध होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से ये दवाइयां लेकर जो बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, आप ये दवाइयां खा सकते हैं। इन दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये प्योरली होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, और किसी भी तरह से किसी भी फार्मेसी या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की ये स्पेसिफिक दवाइयां आपको नहीं बताई गई हैं। बेसिक रेमेडीज हैं, इन बेसिक दवाइयों का आप उपयोग करें, चाहे किसी भी फार्मा कंपनी से आप इस दवाई को ले सकते हैं, आपके लिए ये बहुत ही कारगर दवाइयां हैं। पहले समझते हैं कि मेरे पिछले वीडियोस में मैंने सियाटिका के बारे में बताया था कि L1, L2, L3, L4, L5 कमर की जो हड्डियां हैं, जो बैकबोन हमारा होता है, उस बैकबोन की का जो लास्ट का रीजन है L1, L2, L3, L4, L5, उनके बीच से जो डिस्क जाती है, डिस्क एक तरह दो हड्डियों के बीच की एक कुशन जैसा पैड होता है, वो दबने की वजह से उस एरिया से जो नर्व सप्लाई निकलती है वो कंप्रेस हो जाती है। ये नर्व सप्लाई एक जो ब्रेन हमारा होता है, ब्रेन का जो लास्ट पोर्शन हमारा जाता है नीचे पीछे से, वो पूरा वर्टिकल कॉलम से होकर जाता है, मतलब ये वाला जो भाग है जिसको हम मेरुदंड कहते हैं, ये मेरुदंड पीछे की तरफ कमर की तरफ जाता है, और इसमें ऐसे बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। ये हमारी नर्व सप्लाई है। नर्व सप्लाई मतलब हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, कैसे सेंस होता है, बॉडी समझती कैसे, वो सारा कुछ डिपेंड करता है नर्वस सिस्टम पे। और नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन कंटिन्यू करता है, ब्रेन का ये ऊपर वाला पोर्शन है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पीछे की तरफ सेरिबेलम, और उसके बाद मेरुरज्जू, मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कैनाल से होता हुआ जाता है, जो कि पीछे की सारी हड्डियां हमारे स्पाइनल कैनाल को संभाल के रखती हैं, सर्वाइकल से लेकर थोरेसिक, फिर लंबर एंड देन सैक्रल, इतनी सारी हड्डियों के बीच से होता हुआ कि पीछे से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित पूरी बॉडी में जो नर्व सप्लाई है उसको फैलाता है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी का जाल है। अब ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी का जाल जब L1, L2, L3, L4, L5 रीजन पे आता है, तो ये सारी मिक्स होके एक नर्व बनाती है। उस बड़ी नर्व को बाकी सभी स्पाइनल नर्व की जो रूट्स हैं वो मिलकर एक बड़ी नर्व यानी एक बड़ी वायरिंग बनाती है, और इसे बोलते हैं सियाटिक नर्व। ये सियाटिक नर्व डायरेक्टली भी कंप्रेस हो सकती है, और या तो इसके नर्व रूट के फाइबर्स जो हैं वो भी कंप्रेस हो सकते हैं। मतलब यदि आप बेंडिंग वाला काम बहुत ज्यादा लंबे समय तक करते हैं या अचानक से वेट करते हैं तो मसल पुल हो सकती है, या पीछे की तरफ आपकी डिस्क दब सकती है। इस डिस्क दबने की प्रोसेस को डिस्क हर्निएशन यानी डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, और ये डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलैप्स कभी कभी डिस्क के टूटने की वजह भी बन सकता है, मतलब डिस्क आपकी डैमेज भी हो सकती है। खैर, ये एक अलग तरह की तकलीफ है, और डिस्क का डिजेनरेट होना और वहां की जो हड्डियां हैं जॉइंट की वो डैमेज होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, वहां स्पाइनल कॉर्ड की जो रीजन है, बैकबोन के रीजन है, वहां की हड्डियां डैमेज होना, ये एक अलग तरह की तकलीफ है। होता सभी में बैक पेन है, लेकिन सियाटिका के ही मरीजों में स्पेशलिटी क्या होती है पेन की, मतलब सियाटिका के मरीज का जो दर्द है वो बाकी दर्द, कमर के दर्दों से थोड़ा अलग है। इसका दर्द आपके कमर से होता हुआ कूल्हे की हड्डी के पीछे तरफ, मतलब बैक से हिप जॉइंट से होता हुआ
थाइस से पीछे होते हुए, जांघों से पीछे होते हुए नीचे पैर के तलवों तक जाता है, ये है सियाटिका। अपनी जो आंखें जो पहले से बंद थी उसको खोल लीजिए और बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि सियाटिका एक्चुअल में है क्या। सियाटिका सियाटिक नर्व का कंप्रेशन है, यानी सियाटिक नर्व के दबने की वजह से सियाटिका होता है। सियाटिक नर्व के दबने की वजह है हमारा बॉडी का ऐसा वर्किंग या ऐसी फंक्शनैलिटी जिसमें हम ना ही सीधे ढंग से बैठते हैं, ना ही हमारा पोस्चर करेक्ट रहता है। हमारी सीट्स में बैठने की भी आदत इस तरह की है कि हमारा पेट बाहर जा रहा है। तो ये जो एक तरीका है, ये एक बहुत गलत तरीका है। दूसरा, वेट लिफ्टिंग का जो तरीका है, डायरेक्टली हम लोग वेट उठाते हैं, हमें ज्वाइंट के बेसिस पे वेट उठाना चाहिए, तो वो भी हम नहीं उठाते। और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो बिना फिजिकल एक्टिविटीज के आजकल हमारी बॉडी चल रही है। मुझे क्लिनिक में ये लोगों को बताना पड़ता है कि प्लीज गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, प्लीज एटलीस्ट गो फॉर ए गुड डेली रूटीन। एक जीवन शैली में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो जरूरत इसीलिए है क्योंकि हमारा खाने का तरीका, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, पूरा का पूरा सिस्टम एकदम ध्वस्त हुआ पड़ा है। पिछले भी वीडियोज में मैंने इस बात को शेयर किया है। इन सभी चीजों में फोकस कीजिए, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छी जीवन शैली की जरूरत है। यदि आप एक अच्छी जीवन शैली फॉलो कर सकते हैं तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको दवाइयों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, नॉट इवन पेन किलर, नॉट इवन एंटी हाइपरटेंसिव, नॉट इवन एनी एंटी एलर्जिक, किसी भी तरह की दवाई की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। खैर, चलिए आते हैं सियाटिका के जो नर्व के कंप्रेशन के सिम्टम हैं, वो हैं पैरों में जलन, पैरों में झुनझुनी, पैरों में सुन्नपन आना, पैर का जो दर्द है कमर से होता हुआ, जांघों से होता हुआ, पैर के तलवों तक जाना, पैर खींचा खींचा लगना, कभी कभी पैर में हल्कापन या कभी कभी बहुत ज्यादा भारीपन महसूस हो सकता है। ये सारे जो लक्षण हैं सियाटिका के लक्षण हैं। एक बार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में लिख देंगे, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के बाद आप जो दवाइयां आपको बताई गई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिटेल्स आपको दवाइयों के लिए दिखी गई है, आप एक बार इन दवाइयों के नाम डिटेल में सुन लें। सबसे पहली ड्रग है कैल्केरिया फ्लो 3x, चार चार गोली सुबह शाम। दूसरी दवाई है मैकफॉस 3x, चार चार गोली सुबह शाम। तीसरी दवाई है होम्योकैल 3x, एक गोली सुबह एक गोली शाम। चौथी दवाई है कोलोसिन 30, दो दो बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में। पांचवी दवाई है लाइकोपोडियम 30, दो दो बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में। और छठी दवाई है नक्सवामिका 30, यदि आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा गड़बड़ रहता है और आपका रूटीन बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो दो दो बूंद दिन में 3 बार, और बहुत ज्यादा पेन की स्थिति में रस्टॉक्स 30, दो दो बूंद दिन में 3 बार। इन दवाइयों की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरी डिटेल्स देखिए, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो बातें की गई है उसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप किसी भी नियरेस्ट फार्मेसी में, जो होम्योपैथी मेडिकल स्टोर्स हैं देश में किसी भी कोने में, वहां इन दवाइयों को ले सकते हैं। दवाइयां स्टार्ट करें, आपको आराम जरूर लगेगा, लेकिन इनके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन नीचे लिखे हुए हैं, निर्देश लिखे हुए हैं, उन निर्देशों को हमने हिंदी में लिखा हुआ है, प्योर हिंदी में लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और अपनी जीवन शैली में वो बदलाव कीजिएगा, ताकि धीरे 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 आपकी ये तकलीफ खत्म हो जाए, हमेशा के लिए आपका को इन तकलीफों से छुटकारा मिले। आशा है ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियोस की तरह बहुत पसंद आएगा और प्रैक्टिकल होगा। मेरी इस वीडियो को बनाने की पूरी अप्रोच प्रैक्टिकल अप्रोच है, और आपकी आपके लिए हमारी यही कोशिश है कि हम प्रैक्टिकल वीडियोस लाएं, किसी भी तरह का थ्योरेटिकल वीडियो ना हो और ज्यादा डिटेल में बातें ना हो, काम की बात हो। और मेडिसिंस का डिस्क्रिप्शन नीचे डिटेल्स में देख लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को देखने के बाद सबसे पहला काम, चूंकि यूट्यूब ने भी बोला है कि लाइक जरूर करें आप और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, डॉक्टर सरमास संजीवनी होम्योपैथी चैनल को। इसी स्पीड से देखने के लिए लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।